थानागाजी स्कूल खेल मैदान में विप्र समाज द्वारा महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कांग्रेस के नेताओं सहित विप्र फाउंडेशन के मंच तले एकजुट दिखा संपूर्ण स्थानीय ब्राह्मण समाज व अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान, जिसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, राज्य मंत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा, विधायक रामलाल शर्मा, विधायक संजय शर्मा, शिक्षाविद प्रोफेसर गौरव वल्लभ, पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताज शर्मा, पूर्व विधायक श्री शंकरलाल शर्मा, पूर्व विधायक श्री कृष्ण मुरारी गंगावत सहित अनेक अतिथि मौजूद रहे। और टिल्लू भाई जिला उपाध्यक्ष किसान नेता, वेद प्रकाश जी उपाध्याय, उनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा, श्री राजेश शर्मा तहसील अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन और श्री कुंदन लाल जी बड़ौदा बेव से, के शर्मा जी का सम्मान, आदरणीय के शर्मा जिनका मैं नाम लूं, कृपया यहां मौजूद रहे। हमारे बीच गलता पीठ के पीठाधीश्वर परम सम्माननीय अवधेशाचार्य जी महाराज पधार चुके हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। राजेश कंडल जी से आग्रह है कि कृपया पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार रवीन जी भारद्वाज कृपया शीघ्रता से आए और आपका सम्मान करें। जगदीश जी शर्मा, बालाजी मिष्ठान मंडा और नवीन जी भारद्वाज, ये नहीं है तो कर्नल साहब, गजेंद्र जी, ज्ञानप्रिया बांसुर कृपया मंच पे आए। हमारे बीच नरेंद्र जी यहां मौजूद है, नरेंद्र शर्मा जी प्रत्याशी विधायक अलवर, इनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करता हूं, श्री महेंद्र जी बंसारी थानागाजी और गोविंद जी शर्मा थानागाजी, दोनों तेजी से आ जाए। आज के इस विप्र महाकुंभ के इस आयोजन में उपस्थित मंच पर सभी विशिष्ट जन, आगंतुक संत जन, देवियों सज्जनों, मैं इस अवसर पर एक ही बात यहाँ कहना चाहूंगा, ब्राह्मण जब सृष्टि हुई तो मुख से उसकी उत्पत्ति हुई और बाकी सब जो कुछ भी है वो बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे एक किसी की पहचान उसके मुख से होती है, उसी प्रकार किसी भी प्रक्रिया में अगर हम चले जाएं तो देखने में ही आएगा कि सनातन धर्म में जो कुछ भी है वो ही पूरे विश्व को चला रहा है और उसका जो नियंता है वो ब्राह्मण। इस बात को समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है।